गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे सुपर क्ले के साथ में सेंटा क्लॉस। इसके लिए मैंने सबसे पहले इसका फेस रेडी किया जिस पे हम आइज लगा रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या बनाते हैं। आपको भी अगर कभी मौका मिलता है तो आप इसके साथ ज़रूर काम करिएगा। इस क्ले के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ हमने आइज बना लिया, टंग बना लिया, अब हम इसकी कैप बनाएंगे। ये बहुत ही लाइट वेट नहीं होती है तो इसको आपको बहुत सॉफ्टली यूज़ करना होता है और मज़ा भी बहुत आता है। तो यहाँ मेरी कैप बन के रेडी हो गई है, अब इसको इसके साथ में अटैच कर देते हैं। कैप भी अटैच हो गई है, अब इसमें हम वाइट पॉम पॉम लगाएंगे जैसे कि कैप में लगा होता है उसी तरीके से। आईब्रोज बनाएंगे जो कि व्हाइट कलर की होती हैं। उसके बाद में इसकी मूंछ बनाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, तभी तो सेंटा क्लॉस कंप्लीट लगेगा ना। बारी आती है सेंटा क्लॉस के क्लॉस बनाने की, तो हम उस पर वर्क करेंगे। तो रेड कलर का हमने क्ले लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम स्क्वायर शेप में बनाएंगे जिससे कि इसकी ड्रेस शर्ट टाइप जो बनेगी, अब इसको इसके साथ में अटैच कर देंगे। आपने इस क्ले के साथ बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो अभी सेंटा क्लॉस मैरी क्रिसमस आने वाला है तो हमने सोचा कि चलो सेंटा क्लॉस बनाते हैं, लेकिन इसकी हम आपको और भी चीज़ें बनाकर दिखाएंगे। तो इतना बनाने के बाद में अब हम इसमें अटैच करेंगे क्या, हाथी। अब हम अटैच करेंगे हैंड्स। तो एक हमने लगा दिया है, अब दूसरी साइड का भी लगाते हैं। उसके बाद में सेम प्रोसीजर इसको डेकोरेट करने के लिए हम वाइट कलर का एक पॉम पॉम लगाएंगे जो आगे लगाएंगे और इसका बॉर्डर क्रिएट करेंगे थोड़ा सा। जिसके लिए हमने ब्लैक कलर का क्ले लिया है, इसको हमने थोड़ा सा राउंड करके फ्लैट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे स्टिक कर दिया है। अब इसमें एक येलो को थोड़ा सा लुक देने के लिए यहाँ पर हमने येलो कलर का एक पैच बनाया है जिसको अटैच कर लिया है। उसके बाद टर्न आती है सेंटा क्लॉस की लेग्स बनाने की। तो लेग बनाने के लिए सेम हम फिर से रेड कलर का क्या लेंगे, क्ले। बिल्कुल सही बोला, क्ले लेने के बाद में इसके अब हम पैर बनाएंगे। उससे पहले छोटी छोटी डिटेलिंग हम लोग कर ही रहे हैं, आप भी मेरी तरह ही वीडियो बनाइएगा और वीडियो में देखकर बनाइएगा तो आपको अच्छा बनेगा। अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, बट आप लोग करते नहीं हो, आप भी बहुत गंदे हो, कर दिया करो ना। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे सेंटा क्लॉस के पैर। तो पैर बनाने के लिए सेम क्ले लेंगे, उसको थोड़ा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप देंगे और फ्लैट करने के बाद में इसमें अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर हम ब्लैक कलर के शूज बनाएंगे। शूज़ बनाने के लिए, शूज़ बनाने के लिए हमने ब्लैक कलर का क्ले लिया जिसको थोड़ा सा राउंड करने के बाद में हल्का सा फ्लैट कर दिया जिससे एक शू की शेप आ गई। हम इसको इसके साथ में अटैच कर देते हैं। देखिए अटैच हो गया, अब हमारा सेंटा क्लॉस लगभग कंप्लीट लग रहा है, बट कुछ तो मिसिंग है। आप बताओ क्या मिसिंग है। तो शायद हमने सेंटा क्लॉस की दाढ़ी नहीं बनाई है जो कि अब हम बनाएंगे। ठीक है, वो हमने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि हम वर्क कर रहे थे ना तो बार बार पिचक रही थी, तो हमने सोचा उसको एंड में बनाएंगे ताकि वो खराब ना हो, एकदम मस्त मस्त दिखती रहे। ठीक
ठीक है, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग फिर से व्हाइट कलर का क्ले लेंगे, थोड़ा सा उसको दाढ़ी वाला शेप देंगे, उसके बाद में उसको अटैच कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल। अब लग रहा है ना कमाल का हमारा सेंटा क्लॉस, बट सेंटा क्लॉस तो हमने बना दिया, ये हमको गिफ्ट कैसे देगा? तो उसके लिए हमको सेंटा क्लॉस की पोटली बनानी पड़ेगी ना, जिसके अंदर गिफ्ट्स आते हैं। तो ठीक है, पोटली बनाने के लिए हम लोग ब्लू क्ले का इस्तेमाल करते हैं, रेड नहीं, हम ब्लू कलर की पोटली बनाएंगे, इसमें गिफ्ट ज्यादा सुंदर आएंगे। ये ठीक है, तो पोटली बनाने के बाद हम इस दाढ़ी को फिर से अटैच कर देंगे। अब हमारा लगभग सेंटा क्लॉस कंप्लीट हो गया है और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। Merry Christmas!